to see. Start to my Amel. Good evening everyone. My name is Neelam Pacharne. I am the clinical dietitian at Neurogen Brain and Spine Institute. Today we will talk about nutritional needs at different stages of MND. Nutrition plays a very important role in maintaining energy levels in MND patients. So what is MND? It is a progressive neurological disorder with high risk of malnutrition. We need to do frequent diet modifications. Because of the feeding difficulties, patients may be deprived of proteins, calories or vitamins very quickly. So we'll see symptoms of MND. The symptoms of MND can affect nutrition status of patients by two ways. Upper extremity weakness limits patient movement. Due to reduced hand function, cutting food, feeding can be difficult. Onset of dysphagia can impair the swallowing of food, which can lead to weight loss. Inadequate fiber intake of fruits and vegetables can lead to constipation. Some patients may have loss of appetite. Most of the patients experience fatigue due to muscle weakness. So it is very, very important to maintain a nutritional status of the patients. Evaluation of symptoms of dysphagia is very important. So there are different stages of eating as per the dysphagia. So initial stages, most of the patients are able to eat normal food. So in between I'll speak in Hindi also, because most of our patients are Hindi listeners and that is a regional language of India. So normal eating habits, the initial stages, patients are able to eat normally. They don't experience much difficulty in swallowing or chewing food. So at this stage, we have to make sure they are having a proper balanced diet. It is very important to do a frequent nutrition assessment at this stage. So, अगर आपको कोई दिक्कत है नहीं खाने में तो भी it is very important के कोई nutritionist या dietitian आपको assess करे और पहले से ही proper balanced diet लें ताकि आपका nutrition status और hydration बना रहे. बाद में जब eating problem शुरू होते हैं, difficulty होती है in chewing and swallowing, कफिंग होता है पेशेंट्स को, सो इसके वजह से बहुत टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट्स नहीं खा पाते हैं, बहुत ज़्यादा देर लगता है खाना खाने के लिए, सो उसके वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो सकते हैं. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक स्मॉल बाइट्स ले सकते हैं एंड स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स इंक्लूड कर सकते हैं. थिन लिक्विड्स अवॉइड करना इज अगर दिक्कत आ रही है तो, बट इंस्टेड ऑफ थिन लिक्विड्स वाटर इनटेक इम्प्रूव होने के लिए हम लोग स्मूदीज दे सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज और सूप्स ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड थिकनर्स इनसाइड द सूप. और जो फूड्स ईजियर है चूस और सॉलो करने के लिए वो हम इंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेज पे. बाद में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो पेशेंट्स को ड्राई फूड खाने में भी डिफ़िकल्टी हो जाती है.
देन थिन लिक्विड्स में स्पेशली वाटर में ज़्यादा दिक्कत आती है. सो ये स्टेज पे हम लोग मैकेनिकली सॉफ्ट फूड दे सकते हैं. फर्स्ट तो मैकेनिकली सॉफ्ट फूड मतलब क्या है कि जो भी दाल चावल जो भी घर पे सिंपल खाना आप बना रहे हो वही खाना आपको थोड़ा सॉफ्ट करके देना है. सो मतलब दाल को हम खाने दाल को रोटी और दाल मिक्स करके डिप करके दे सकते हैं, वही हम पेशेंट को खिला सकते हैं. और फिर वो दिक्कत आ रहा है वो भी खाने में, तो सॉफ्ट कुक फूड जैसे कि सॉफ्ट कुक राइस है, फिर दलिया है, खीर वगैरह है, वो सब हम इंक्लूड कर सकते हैं ये स्टेज में. अगर सॉफ्ट कुक फूड खाने में भी दिक्कत आ रहा है तो प्यूरे फूड इंक्लूड कर सकते हैं. प्यूरे फूड मतलब जैसे हम बच्चों को देते हैं, सो राइस और दाल है या खिचड़ी है, उसको हम मिक्सर में घुमा के दे सकते हैं, फ्रूट के प्यूरे बना के वेजिटेबल सूप्स बना के दे सकते हैं. ये स्टेज पे हम थिकनर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कॉर्नस्टार्च है जो कि हम सूप थिकन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमर्शियल थिकनर्स भी आते हैं. अगर पानी पीने में दिक्कत हो रहे पेशेंट्स को तो कमर्शियल थिकनर डाल के हम उसका जेली कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं और वो फिर पेशेंट्स को दे सकते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट टेम्परेचर पे पेशेंट्स को खाना सर्व करें. कोल्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर्स के फूड है वो सॉल्विंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो इसीलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम पे टेम्परेचर चेक करना, जो भी पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर पाए वो टेम्परेचर पे खाना देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स जैसे कि मैंने पहले बोला, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा खाना हम एक टाइम पे दे रहे हैं पेशेंट्स को सो क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस उनको टाइम ज़्यादा लगता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसके वजह से आधा खाना छोड़ सकते हैं. तो उसके बजाय अगर हम स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स मतलब इंस्टेड ऑफ 3 मील्स इन अ डे अगर हम 6 मील उनको दे सकते हैं तो क्या होगा, उससे उनको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलेगा और एक टाइम पे पेशेंट थकेगा नहीं ज़्यादा. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज पे. और अगर पेशेंट खाना नहीं खा पा रहे अच्छे से तो विटामिन मिनरल सप्लीमेंटेशन इस स्टेज पे हम ऐड कर सकते हैं. आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके या डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो. और जब पेशेंट्स का ईटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाए या फिर मीट नहीं कर पा रहे न्यूट्रिशन, सो हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल है खाने के साथ, तो उससे हम उनका न्यूट्रिशनल थोड़ा इंटेक बढ़ा सकते हैं. स्पेशल कंसिडरेशन ये लेना है हमको यहाँ पे कि पेशेंट को बिठा के ही फीडिंग लेना है. यू आर नॉट सपोज टू फीड देम इन ए लाइंग डाउन पोजिशन. सुला के कुछ भी फीडिंग नहीं देना है. बहुत सारे पेशेंट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस उठ के बैठने में या बैठ के खाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो वो सो के ही खिला दो या ऐसे बोलते हैं, तो वो नहीं करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिटिंग पोजिशन में अपराइट पोजिशन में ही खाना खिलाना है, हेड और चिन डाउन पोजिशन में खिलाना है. अगर बहुत ज़्यादा सॉल्विंग और इसमें दिक्कत आ रही है तो जनरली स्पीच एंड सॉलो थेरेपिस्ट है उनका अगर कंसल्टेशन लेंगे तो बहुत यू नो गाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द पोजिशन बेस्ट, क्या एक्सरसाइजेस है सॉल्विंग के लिए, तो वो कंसल्टेशन लेना अच्छा है ये टाइम पे. खाने के टाइम पे कोई भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए पेशेंट्स को, और उनको कॉन्वर्सेशन या बात मत कीजिए खाने के टाइम पे ताकि उनको खांसी वगैरह आ सकते हैं. सो अगर उनको कंसिस्टेंसी मॉडिफिकेशन करने के बाद भी पेशेंट्स अगर नहीं खा पा रहे हैं तो फिर कभी कभी ट्यूब फीडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. सो इस स्टेज पे क्या करते हैं कि एक ट्यूब होता है जो कि पेट में डाला जाता है, इसको परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं, जिसके थ्रू जो आप खाना खा रहे हैं मुंह से वही खाने को हम ब्लेंडराइज करके छान के वो ट्यूब से दे सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ट्यूब डाला तो आप ओरली नहीं खा सकते. कोई कोई पेशेंट्स में हम ट्यूब और ओरल दोनों रूट से खाना दे सकते हैं. न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं ट्यूब में, और इसमें तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मीट होने के लिए बहुत अच्छा हेल्प होता है ट्यूब से. सो उसके बाद भी कभी कभी ऐसे स्टेज आते हैं कि अगर पेशेंट ट्यूब फीडिंग ही करना पड़ता है, ओरली नहीं ले पाते हैं, तो ये टाइम पे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ट्यूब से दिया जाता है.
न्यूट्रिशन थेरेपी का मेन एम ये है कि वट एवर स्टेज ऑफ पेशेंट, जो भी स्टेज में है, हमको उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाए रखना है ताकि उनको ज़्यादा वीकनेस ना आए. प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है वो कम करना है हमको, और इंश्योर करना है कि पेशेंट प्रॉपरली खा रहे हैं और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट राइट टाइम पे मिलना इम्पॉर्टेंट है. जनरली हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, नॉर्मल लिपिड्स और हाई फाइबर वाले फूड दिए जाते हैं टू बैलेंस द न्यूट्रिएंट्स. सो कैलोरी डेंस फूड इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनर्जी कैलोरी नीड रिक्वायरमेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई होती है, क्योंकि बहुत सारे जन में वेट लॉस दिखता है. सो जैसे कि हमारा शीरा है, कस्टर्ड है, पुडिंग्स है, मिल्क शेक है, स्मूदी है, फ्रूट के पल्प्स है, सूप है, क्रीमी सूप आप बना सकते हैं. इंस्टेड ऑफ शुगर, अगर आप उसके बदले में खजूर है, किशमिश है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा न्यूट्रिशंस बन सकता है आपका मील. सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे कि खिचड़ी है, हमारा जो मिक्स इंडियन मूंग दाल खिचड़ी बोलते हैं वो है, वो कंबाइंड कंप्लीट मील है. सो राइस आता है उसमें, फिर दाल आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं. अगर पेशेंट रोटी सब्जी और सलाड वगैरह सब खाना नहीं खा पाते हैं, आप उनको एक खिचड़ी बना के दे देते हो तो वो कंप्लीट मील हो जाएगा पेशेंट्स के लिए. फिर अगर कभी चेंज के लिए राइस, सॉफ्ट राइस के साथ थोड़ा दाल और वेजिटेबल स्ट्यू वगैरह भी बना के दे सकते हो. तो ऐसे ही है, रोटी अगर पेशेंट खा पा रहा है तो ये स्टेज पे आप रोटी का जो आटा है वो हम छाछ में या फिर दाल के पानी में नीड कर सकते हैं, दो बना के उसमें. तो क्या हो जाएगा, उसमें ही भले वो एक रोटी खा रहे हैं बट उनको प्रोटीन इंटेक बढ़ सकता है, ये टाइम पे कैलोरीज ज़्यादा बढ़ सकते हैं. सो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MND पेशेंट्स के लिए. जनरली प्रोटीन का काम है टिश्यू का ग्रोथ और कैटाबॉलिज्म कम करने के लिए. सो ईटिंग डिफिकल्टीज के वजह से क्या होता है, अगर ओरल इंटेक कम है तो प्रोटीन इंटेक भी कम हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेज पे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन इंक्लूड करना है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडा है, चिकन है, फिश है, वो इंक्लूड कर सकते हो. वेजिटेरियन जो है वो स्प्राउट्स है, नट्स है, दाल है सारे तरह की, वो इंक्लूड कर सकते हैं खाने में. जैसे कि लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं. मतलब नॉर्मल अपने दूध को हमको इवेपरेट करना है, जैसे कि हम डिजर्ट के लिए करते हैं. सो इवेपरेट द मिल्क, यू कैन ऐड पाउडर ड्राई फ्रूट्स, यू कैन ऐड डेट्स और रेजिन्स इनसाइड इट, तो एक वो कंडेंस कैलोरी डेंस ड्रिंक तैयार हो जाएगा. ये स्टेज पे प्रोटीन प्रोटीन सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं जब पेशेंट ओरली पूरा नहीं खा पाते हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द डाइटिशियन और एनी डॉक्टर बिफोर एडिशन ऑफ एनी सप्लीमेंट्स टू योर डाइट. फाइबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्या होता है, डिस्फेजिया के वजह से पेशेंट मोस्टली सॉफ्ट खाना प्रेफर करते हैं, तो उसके वजह से सैलेड्स है, फ्रूट्स है बहुत सारे, वो खाने में दिक्कत आती है, वो कम खाते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, अगर फाइबर इंटेक कम हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है. सो भले पेशेंट नॉर्मल खाना नहीं खा पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, सीरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं. धान है जैसे कि रागी है, बाजरा है, ओट्स वगैरह है, वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं. उसके साथ पॉरेजेस में आप फ्रूट्स चॉप करके इंक्लूड कर सकते हैं, खिचड़ी में वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, फिर वेजिटेबल्स मैश करके रोटी में डाल सकते हैं, पराठा बना के ये कर सकते हैं, दाल में डिप करके दे सकते हैं, फ्रूट के प्यूरे बना के इंक्लूड कर सकते हैं. अगर फिर भी ये सब करने के बाद भी अगर फाइबर इंटेक नहीं सफिशिएंट हो रहा है तो कमर्शियली अवेलेबल फाइबर सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं. फ्लूइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फ्लूइड इंटेक कम है तो डिहाइड्रेशन का रिस्क है. सो इसलिए फ्रूट जूसेस, थिक फ्रूट स्मूदीज और वेजिटेबल प्यूरेज इंक्लूड कर सकते हैं हम टू मीट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, नट्स है,
ये विटामिन्स एंड मिनरल्स भरे हुए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो ये सारा स्ट्रेस है बॉडी का वो कम करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड विटामिन डी एंड कैल्शियम सोर्स इन योर डाइट, क्योंकि विटामिन डी का रोल न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल है। सो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स, बट अगर वो नहीं है, अगर नहीं जा पा रहे पेशेंट्स बाहर, तो एटलीस्ट एग योक है, लीवर है, ऑयली फिश है, या फिर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन यहाँ पे हेल्प कर सकता है। कैल्शियम रिच फूड भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ये नाचनी है, रागी है, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, राजगीरा है, तिल है, ये सारी चीज़ें आप खाने में इंक्लूड करोगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। कैल्शियम रिच फूड में अगर तिल है, जैसे तिल को आप रोस्ट करके पाउडर करके रख सकते हो, कोई भी खाने में आप डाल सकते हो पाउडर, तो भी आपको च्यूइंग स्वॉलोइंग में अगर डिफिकल्टी भी हो रहा है तो वो पाउडर फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हो। विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व रीजनरेशन में उसका हेल्प है। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, मीट है, चीज़ है, एग्स एंड फिश है, तो अगर ये आप खाने में इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। विटामिन ई एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, सो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है बहुत सारे पेशेंट्स में। आलमंड्स है, हेजलनट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सैफ्लावर सीड्स है, ये सब विटामिन ई में रिच है। तो आप क्या कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल है, इसका पाउडर बना के रख सकते हो, और कोई भी करी है, वेजिटेबल करी है या दाल है, इसमें आप इंक्लूड करके वो दे सकते हो पेशेंट्स को। विटामिन सी का तो रोल सबको पता है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो कि डार्क कलर वेजिटेबल्स फ्रूट्स है और सिट्रस फ्रूट्स है स्पेशली, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, पेरू, गावा बोलते हैं जिसको, पपाया, आंवला, इसमें पाया जाता है। तो ये कोई भी फॉर्म में इंक्लूड कर दीजिए। नींबू है, हम खाने में नींबू स्क्वीज करके दे सकते हैं पेशेंट्स को, उससे आयन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है। स्पेशल कंसिडरेशन हमको ये करना है कि हमको सारे फूड ग्रुप से खाना इंक्लूड करना है, मतलब एक ही तरह का खाना हमको पेशेंट्स को नहीं देना है, ताकि क्या हो गया, जनरली दाल चावल ही दे देते हैं क्योंकि बाकी खाना चू नहीं कर सकते। तो ये टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि उनको अगर रोटी नहीं खा पाते हैं तो दलिया है, सूजी है, रागी है, कभी रागी का पॉरेज बना के दे सकते हैं, कभी दलिया का खिचड़ी बना के दे सकते हैं, दलिया का खीर बना के दे सकते हैं, तो ये सब धान्य हो गए। राइस है, कभी ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर दाल की चीज़ है, प्रोटीन वाली चीज़ों में हो गया, दाल हो गया, राजमा, छोले, मूंग है, चना है, मटकी वगैरह, ये सब है, वो बीन्स है, वो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो भी खाने में रहना चाहिए। पनीर वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं खाने में, टोफू इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फैट्स एंड ऑयल्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि पूरा ही मना करना है। सो जो नट्स है उसमें भी फैट्स पाया जाता है, ऑयल है, ऑयल्स चेंज करते रहना इम्पॉर्टेंट है, एक ही तरीके का ऑयल रेगुलरली मत इस्तेमाल कीजिए। सो ट्राई एंड मॉडिफाई कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड एज पर पेशेंट्स टॉलरेंस, मतलब अगर पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है कि ड्राई खाना खाने में, थोड़ा सा मॉइस्ट करके दे दीजिए, मैकेनिकली सॉफ्ट करके दे दीजिए, फिर सॉफ्ट कुक दे सकते हैं। वैसे कंसिस्टेंसी मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है वो कंसिस्टेंसी से, तो वो खाना नहीं खा पाएंगे ज़्यादा, और क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन रखेंगे उस पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, खाने के टाइम पे चू और सॉलो करने के लिए। जल्दी जल्दी में हम खाना फिनिश करने के लिए नहीं बोल सकते उनको, इन बिटवीन 2 बाइट्स उनको प्रॉपरली एक बाइट चू करने दीजिए, थोड़ा रुक के फिर नेक्स्ट बाइट दीजिए। अगर हम खाना फिनिश करने के लिए उनके पीछे पड़ेंगे तो उनको दिक्कत आएगी और वो खाना छोड़ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर पेशेंट इज़ वेल हाइड्रेटेड। सो जैसे कि मैंने बताया कौन से फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्मूदीज है, फिर थिकनेस का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं, पानी है या कोई भी फ्रूट जूसेस वगैरह आप थिकनर का यूज़ करके थिक बना सकते हैं उसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट योर डाइटिशियन एट इंटरवल्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनिशियल स्टेज में पेशेंट अच्छे से खा रहा होता है, वेट भी नॉर्मल होता है,
फिर बाद में जब पेशेंट्स आते हैं डाइटिशियन के पास, तो मतलब ऑलरेडी वेट लॉस हो चुका होता है. तो मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल में अगर आप कंसल्ट करते रहेंगे, तो अगर कोई भी डिटियोरेशन हो रहा है खाने में या कोई ये हो रहा है, तो कहाँ पे सप्लीमेंट इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट कब इंक्लूड करना चाहिए, ये सब आपको डाइटिशियंस गाइड कर सकते हैं. सो स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव, क्योंकि जितना हम स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स रखेंगे उतना ज़्यादा हम वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट्स के खाने में. देर आर सम फूड्स विच यू हैव टू अवॉइड फॉर पेशेंट्स, लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है, वो हमको अवॉइड करना है, क्योंकि वो फर्दर रेस्पिरेटरी इशू क्रिएट कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं. बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या डीप फ्राइड फूड है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फूड है, वो हमको अवॉइड करना है एट दिस स्टेज. फिर टफ मीट्स और चूवी फूड्स है जो कि मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है खाने के वक्त, वो स्टिकी फूड्स लाइक लिक्विड चीज, वो हमको अवॉइड करना ज़रूरी है ये पेशेंट्स के लिए. देर आर सम डूज एंड डोंट्स. अगर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी फोकस किया, डू नॉट स्किप मील्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक मील भी पेशेंट स्किप कर रहा है तो उतना ज़्यादा उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मिस हो रहा है. भले पेशेंट का मन नहीं है तो एक स्मूदी बना के दे दीजिए या पॉरेज बना के दे दीजिए, वो स्मॉल क्वांटिटी खाने दीजिए, बट मील स्किप नहीं करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मील बैलेंस होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे सारे फूड ग्रुप से खाना आना ज़रूरी है, एक ही तरह का खाना पेशेंट्स को नहीं देना है. एक ही न्यूट्रिएंट पे खाली दाल चावल या रोटी सब्जी पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सारे फूड ग्रुप से खाना आना ज़रूरी है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक फ्रूट्स आर रिकमेंडेड, तो जनरली कैसे होता है जो सॉफ्ट फ्रूट्स है चू कर सकते हैं पेशेंट्स, वो प्रेफरेबली देना है. अगर नहीं खा पाते तो ही हमको उनको जूसेस या स्मूदी बना के देना है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर्स पे ज़्यादा खाली स्ट्रेस नहीं देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस और पेप्सी और ये सब जो ड्रिंक्स है कार्बोनेटेड, वो आपको अवॉइड करना है. तो वाटर इंटेक शुड बी सफिशेंट बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर के साथ वाटर इंटेक भी अच्छा होना चाहिए. उससे क्या होता है, बहुत सारे गट इश्यूज है वो हम ये कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं अगर वाटर इंटेक अच्छा है तो. जो कि टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने का टेक्सचर पे आपको ध्यान देना है, जो कि ईजी हो चूविंग और सॉलविंग के लिए. फोर्स फीडिंग मत कीजिए पेशेंट्स को, एस्पिरेशन और चोकिंग का रिस्क हो सकता है. तो आप अगर वो बहुत ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो टेक्सचर मॉडिफिकेशन करके देख लीजिए, नहीं तो आप एक बार कंसल्ट डॉक्टर या डाइटिशियन को कंसल्ट कर दीजिए ये स्टेज पे. और राइट सीजनिंग और राइट टेम्परेचर पे खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप पूरा ब्लैंड खाना भी दे रहे हैं तो पेशेंट का ओवरऑल इनटेक एपेटाइट ही लो होता है, तो अगर हम ब्लैंड खाना देंगे तो पेशेंट ऑलरेडी ज़्यादा नहीं खा पाएंगे. तो और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं देना है, तो मीडियम स्पाइसेस एट बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर का भी नहीं देना है, वो इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे. फाइबर का इनटेक रखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सूप्स स्प्राउट्स है जो गट हेल्थ अच्छा करने में हेल्प करेगा. ऑलरेडी हमने देखा कि डीप फ्राइड फूड, प्रिजर्व फूड, आर्टिफिशियल कलर वाला फूड है जो भी, वो हमको अवॉइड करना है पेशेंट्स के लिए. जितना हो सके नेचुरल फ्रेश फूड देंगे, होम कुक्ड फूड देंगे वो अच्छा है, ठीक है. और क्वांटिटी जितना एक टाइम पे डाइजेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी फोर्सफुली नहीं दीजिए पेशेंट्स को, क्योंकि ओवर ईटिंग के वजह से भी फर्दर गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं. फॉर नाउ थैंक यू. और कुछ क्वेश्चंस है किसी को तो पूछ सकते हैं.
ओके, थैंक यू सो मच।